डेड माउंट डेड प्ले का एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं फैंटम सॉलिटेयर उसे बोलता है कि इस कार्ड के पीछे दो चेहरे हैं जो कि दुनिया में कुछ अलग चीज दिखाते हैं और तुम इसका पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम जब उनके पास जाओगे तो तुम देखोगे कि उनका आगे वाला हिस्सा भी सेम होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें साव को दिखा जाता है जो कि ताकुमी को बचाकर ऊपर ला चुका होता है और बोलता है तुम यहाँ से हिलना मत, और उसका पैर का रस्सी काट देता है। ताकुमी उसे पूछता है कि क्या तुम हिलाए हो, साव बोलता है कि मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ। और इन दोनों में फाइट होने लगता है। जो हागरोसान का दोस्त होता है वो बोलता है कि तेरा पैर बहुत कमजोर है, मुझे देखकर पैर कम कप आ रहा है और मुझे पता है तुम एक हलाई हो। साव बोलता है कि तुम्हें गलत फहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई हलाई फलाई नहीं हूँ। साव मन में बोलता है कि ये जो मेरा पैर कंप कंप आ रहा है ये डर के वजह से नहीं, और हमला करने के लिए बहुत स्पीड से जाता है। उसके सामने जो ओपोनेंट होता है ये देखकर वो डर जाता है और बहुत स्पीड से उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, फिर भी वो डॉच कर लेता है और बोलता है कि मैं तुमको साफ साफ देख पा रहा हूँ, और बोलता है हलाई मैं तुम्हारा सारे मूव्स को जानता हूँ। ताओ उसके आँख में फ्लैश मार देता है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है, और इस वक्त पर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इस बार ओपोनेंट उसका पैर पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और बोलता है कि बिंगो, और उसे काटने के लिए चला जाता है। और वो सोचता है कि इस समय हलाई का एक डेड बॉडी भी मिल जाएगा हागरोसा को, जैसा कि वहाँ पर आकर उसके गर्दन में मारकर उसे दूर धकेल देती है और वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है और वो साव को पकड़ लेती है। साव बोलता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। मिसा की बोलती कि तुम हमारे साइड हो इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना ही पड़ता। और हागरोसान सोचने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसको तो मोमोया ने मार दिया था और ये लड़की जिंदा यहाँ पर आई है, ये तो नेचुरल लॉ के खिलाफ है और हमें जो मिशन दिया गया था इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया था। जब मैं उसे अपनी आँख से नहीं देख लेता तब मुझे भरोसा ही नहीं होता, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मोमोसान बोलता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम यहाँ पर कैसे आई इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन तुम इस बार थोड़ा स्ट्रांग होकर आई हो तो इस बार बराबरी का टक्कर होगा। और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। पहले मोमोसान आकर साव के ऊपर हमला कर उसे घायल कर देता है, ये देखकर मिसाकी जाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। साव सोचते कि कैसे लड़ रहे हैं ये दोनों, तभी मोमोसान वहाँ पर एक एनर्जी स्लैश छोड़ता है। मिसाकी बोलती कि मैंने इस हमले को डॉच कर लिया, ये इतना भी एक बुरा हमला नहीं था। मिसाकी बोलती है मेरे पास दो प्लान है, एक प्लान ये है कि तुम मेरे साथ मिलकर उसके साथ फाइट करो, नहीं तो मैं अकेले उसके साथ फाइट करूंगी। तभी मोमोसान बोलता है कि मेरा कंफ्यूजन है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम यहाँ पर कैसे आई। ये सुनकर साओ भी अपने कान पर हाथ रखकर मिसाके की हार्ट बीट सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है। शिफ्ट होता है, पोलका उसकी भांजी को बोल रहा होता है। उसकी भांजी बोलती है कि इसका मतलब मिसाकी अभी वैम्पायर है। पोलका बोलता है कि हाँ वो वैम्पायर है, लेकिन प्योर तरीके से नहीं, का शरीर बीच में से कट भी जाएगा तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मिसाकी जब उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन मोमोसान उसके अटैक को डॉच कर उससे मारता है, लेकिन साओ मोमोसान के ऊपर हमला कर देता है। बोलता है ये जो कपड़ा पहना है ना, इस वजह से ये इल्यूजन दिख रहा है और ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर हमारे ऊपर हमला कर रहा है। मोमोसान बोलता है कि तो तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है, दिखाओ मुझे। ईसा की बोलती है जरा सबर करो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो ये मेरे हाथ, इसमें एक छुरी, ये जाकर तुम्हारे दिल में लगेगा, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। और वो अपने हाथ को अलग कर उसके ऊपर हमला कर देती है। मोमोसान समझ नहीं पाता है कि ये हमला कहाँ से आया और उसे डच भी नहीं कर पाता है। इसे देखकर साओ भी शॉक हो जाता है। ईसा का हाथ फिर से ज्वाइंट हो जाता है
हर्षरोगी पोलका को बोलता है कि मुझे तुम्हारी कुछ चीज में मदद चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें सॉलिटायर दिखा जाता है। जो पुलिस के चीफ थे वो बोलते हैं कि तुम मेरी टेबल में बैठकर कार्ड गेम खेल रहे हो, तुम एक ही जोकर से पूरी गेम जीत नहीं सकते हो, तुम्हें जीतना है तो तुम्हारे साइड में 6 जोकर तो लाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं उस डिटेक्टिव के पास एक कॉल आता है, देखता है वो ऑनर नंबर होता है और ये जैसे ही कॉल को उठाकर हेलो बोलता है, डिटेक्टिव बोलता है कि आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हें हर दिन बोलता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी इस नंबर को चेंज करो। ये सुनने के बाद डिटेक्टिव बोलता है कि क्या आप हर्षरोगी साहू हो? सीन शिफ्ट होता है, हमें रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि सिनोयामा फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है और वो बोलती है कि इस बिल्डिंग का ओनर है लिसा कुराकी, इंडस्ट्रियलिस लुइस कुराकी की ग्रैंड डॉटर है ये। यह लड़की अपने पेरेंट्स की गुम जाने पर अपने दादा के पास रह रही थी और ये अकेला गभाई है वो किडनैपर का, और वो और भी सर्च करती है कि इस किडनैपिंग का केस को कौन कवर कर रहा था, वो और कोई नहीं मियां भी हर्षरोगी कर रहे थे और वो भी इसी बिल्डिंग से डिसअपीयर हो गए। डिटेक्टिव बोलता है कि क्या आप हर्षरोगी हो? हर्षरोगी बोलते हैं हाँ हाँ, और जोर से चिल्ला और बोलते सबको मैं ही हर्षरोगी हूँ, और बोलते हैं कि मैं मर चुका हूँ, और बोलता है कि मैं सॉलिटेयर के बारे में तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर कुछ अलग ढूंढने के लिए आया था, और जो तुम इस वजह से पोलका के पीछे पड़े हो ना, पोलका के यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, मैं उसके पास ही हूँ अच्छे से। तुझे याद है मैंने तुझे एक पेपर दिया था, मैं सारा क्लू उसी में लिख दिया था और कौन कौन तेरा मदद कर सकता है वो भी मैंने लिख दिया है, तू उन्हें जाकर मदद मांग सकता है, और उनका बात वहाँ पर खत्म हो जाता है। हमें पुलिस के बीच और जो सॉलिटायर के बीच के बात हमें पता चलता है। सॉलिटायर बोलता है कि मैं भी वहाँ पर जाने से डर रहा था लेकिन मैं कुछ प्लान की वजह से बच गया, मुझे पता था मेरे ऊपर कोई तो स्नाइपर बैठा होगा इसलिए तो मैं एक डॉमी को वहां पर बैठाया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइट का सीन दिखा जाता है। साउली बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, जो वो उसके कान में बता देती है। साउली बोलती कि क्या ये काम करेगा? मिसाकी बोलती कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना? साओ बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा तो करती हूँ लेकिन प्लान फ्लप हो गया तो मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। मोमोसान बोलता है कि तुम्हारा टीम मीटिंग खत्म हो गया हो तो आगे फाइट करें। मिसाकी बोलती है थैंक यू इतनी टाइम देने के लिए। मोमोसान बोलता है कि नहीं थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे ये जो छोटे मोटे ट्रिक्स है ना इसमें से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमोसान आइडिया लगा लेता है कि उसका जो पैर है वो कमज़ोर है, वो उसके ऊपर हमला कर सकता है और उसके ऊपर हमला कर भी देता है, लेकिन मिसाकी डॉच कर लेती है उस हमले को। फिर से वो दोनों तलवार से फाइट करने लगते हैं लेकिन मोमोसान फाइट में उसका गला पकड़ लेता है। तभी मिसाकी अपने शरीर को अलग कर लेती है, तभी पीछे से सायू आकर मोमोसान के ऊपर हमला कर देता है। मोमोसान ये देखकर बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इन दोनों ने मुझे हरा दिया, और साओ उसे 440 वोल्ट का एक करेंट देता है और वो वहाँ पर ही टपक जाता है। उससे मारने के बाद वो जैसे ही देखते हैं हागोरोनोसान वहाँ से भाग चुका होता है और वो बाहर आकर बोलता है कि मैं तो बच गया, और वो आकर किसी को कॉल कर रहा होता है और एक जो पुलिस वाले थे उसे भी कॉल आता है लेकिन वो उठाता नहीं है। और हमें कुछ समय का पहले का सीन देखा जाता है, हर्षरोगी डिटेक्टिव को बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी भरोसे वाला नहीं है, जो भरोसे वाला है वो भरोसे वाला ही है। जैसे ही ये कॉल खत्म होता है उसे और एक कॉल आता है, वो कॉल होता है फैंटम सॉलिटायर का। फैंटम सॉलिटायर बोलता है कि हाँ जल्दी से निकालो उसका इन्फॉर्मेशन क्योंकि मुझे भी चाहिए। ये सुनकर डिटेक्टिव भी अपनी चारों तरफ देखने लगता है वो कहाँ पर बोल रहा है। ये दोनों डिटेक्टिव बात करते हुए बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें सॉलिटायर के ऊपर भरोसा है?
और एक डिटेक्टिव बोलता है कि उसके कोई भी बात के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हागुरो-सान लगातार कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल कोई उठाता ही नहीं। लेकिन इस बार उसका कॉल एक पुलिस वाला पकड़कर बाहर आ जाता है बात करने के लिए। हागुरो-सान ये सब बातें उसे बता देता है और वो बोलता है कि वो लॉ नेचर को तोड़ भी रहा था। ये सब बातें वो जो डिटेक्टिव दोनों थे वो भी सुन लेते हैं और वो बाहर खड़े होकर पूरी बात सुनते हैं। उसका बात जैसे ही खत्म होता है ये दोनों अंदर आ जाते हैं। हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर के साथ बात कर रहा होता है और उसे गाली दे रहा होता है कि तुम इतने बार क्यों कॉल कर रहे हो, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तुम्हारी तरह बैठा नहीं हूँ। रिपोर्टर बोलता है कि हाँ मैं भी बाहर बैठ कर नहीं खा रहा हूँ, मुझे भी कोई डिटेल्स चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। जो हागुरो से बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं इंस्पेक्टर हवा की है। हमें देखा जाता है उस बगल से एक पुलिस वाला गाने गाते हुए जा रहा होता है। हागुरो-सान के बगल से भी जो बंदा निकल रहा होता है वो भी यही गाना गा रहा था। बारिश होते हुए एक सॉन्ग गाकर फायरबर्ग एक ही जगह में आते हैं और वो एक आदमी को मार देते हैं। और यहाँ पर ही ये वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताएं।